अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी, सेंचुरी लगाकर नए शिखर पर बंद हुआ डाउ, S&P और नैसडैक हल्की बढ़त पर बंद। ज्यादातर एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत, SGX निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 18,150 के पास, हैंगसेंग में करीब 150 अंकों का उछाल। ब्रिटानिया के अनुमान से कमजोर नतीजे, मुनाफा 23% घटकर 382 करोड़ रुपए रहा, लेकिन आय में दिखी बढ़त। सोभा के सितंबर तिमाही के अच्छे नतीजे, कंपनी के मुनाफे में करीब 200% का उछाल, आय और मार्जिन में भी रही शानदार ग्रोथ। M&M और पावर ग्रिड के नतीजे आज, M&M की आय में 7.5% उछाल की उम्मीद, लेकिन मार्जिन पर दबाव की आशंका। 3 साल की बातचीत के बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस विलय के करीब, जल्द होगी शेयर होल्डर्स की बैठक, विलय के बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए होगा AUM। और करीब 1 दशक के कारोबार के बाद रिलायंस अमेरिका के शेल गैस कारोबार से पूरी तरह बाहर निकली, ईगल फोर्ड अपस्ट्रीम होल्डिंग ने बेचा हिस्सा। पेटीएम के IPO का आज दूसरा दिन, पहले दिन सिर्फ 18% भरा, रिटेल का हिस्सा 78% सब्सक्राइब, प्राइस बैंड 2080 से 2150 रुपए के बीच। और पिज्जा हट और KFC की फ्रेंचाइजी सफाई फूड्स का IPO आज खुलेगा, प्राइस बैंड 1120 से 1180 रुपए, 100% OFS में मौजूदा निवेशक बेचेंगे हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मैं आपके साथ हूँ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और खबरों और नतीजों के दम पर आज कहां पर फोकस रहेगा, और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसी के साथ ही साथ आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे, क्योंकि कल का बाजार हमने देखा काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा और सेंसेक्स में भी 60,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी गई है। वही बैंक निफ्टी की थोड़ी उलट चाल थी, वहां पर हल्की कमजोरी देखने को मिली है, जो घरेलू फैक्टर्स थे वहां पर अच्छा योगदान कल देखने को मिला, इसलिए हमने देखा कि भारतीय बाजारों में हल्की पॉजिटिविटी भी थी। लेकिन क्या आज भी वो पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, ये आज का बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं कि एशियन मार्केट से इस वक्त किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं। अगर एशिया बाजारों की बात करें तो SGX निफ्टी में अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त देखिए हल्का नीचे आ चुका है और करीब 3 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हैंगसेंग निकाई में अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और एशियाई बाजारों से, क्योंकि कल एक काफी कुछ बड़े डेवलपमेंट भी हुए, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। और प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो कैसे हैं? देखिए पूजा, संकेत इस वक्त सारे रिस्क ऑन एनवायरनमेंट के, उसका बड़ा इंडिकेटर है कि आप बिटकॉइन की तेजी देखें। लेकिन चलिए शुरुआत पहले अमेरिकी बाजारों से करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी इस एंटिसिपेशन में, हमने कल भी देखा कि अमेरिकी बाजार तीनों इंडाइसिस की बात करें एक नए रिकॉर्ड स्तर पे बंद हुए। डाउ में लगभग 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी कल, और रीज़न अपेरेंट था क्योंकि वहाँ ये फोकस्ड है, ये एंटिसिपेशन है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बनेगी, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब पैसा खर्च होगा तो उसको लेकर डोमेस्टिकली क्यू स्ट्रॉन्ग दिखे और जिसकी वजह से हमने ये तेज़ी देखी। अगर आप दूसरे असेट क्लास की बात करें तो कहीं से भी कोई और डिफरेंट सिनेरियो नहीं हुआ है। ब्रेंट क्रूड इस क्यू से ही, उसके लिए भी एक तेजी का मोमेंटम और बनता हुआ दिखाई दिया, $83 के पार है, क्योंकि ये लग रहा है कि स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च होगा तो तेल की डिमांड और होगी, तो उसके चलते एक ये बड़ा ट्रिगर भी था वहाँ कि आप ब्रेंट क्रूड में तेजी जारी ही देख रहे हैं। US डॉलर इंडेक्स 94 के ऊपर देख रहा है। बिटकॉइन में कल तेजी अच्छी खासी और फेड की तरफ से कमेंट भी आया है और उसी दिन बिटकॉइन ने एक ऑल टाइम हाई बनाया। 8% तेज था बिटकॉइन का भाव और $67,000 के पार चला गया बिटकॉइन का भाव। दूसरे एशियन मार्केट्स की बात करें तो
निकाय में आपको तेजी देखने को मिली, वहां सॉफ्टबैंक में एक लगभग 10% का उछाल देखने को मिला, सॉफ्टबैंक बायबैक कर रहा है जिसके चलते हमने देखा स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम था और ये तमाम क्यूज थे। तो अगर आप सेंटिमेंट्स की बात करें, एक मूड माहौल की बात करें, तो ग्लोबली आपको अच्छा दिख रहा है, US मार्केट से स्ट्रॉन्ग क्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरे एसेट क्लास में भी तेजी बनी हुई है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग क्यूज मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, लेकिन क्रूड में देखिए अभी भी तेजी जारी है और वहां पर थोड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर देखने को मिल सकता है, $83 के पार अब क्रूड निकल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और FIIs और DIIs के आंकड़े कल कैसे थे ये भी एक बार समझ लेते हैं। कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो कल 860 करोड़ की बिकवाली कल देखी गई है FIIs की तरफ से, वहीं कैश मार्केट में DIIs ने खरीदारी की है और 1911 करोड़ की खरीदारी देखी गई है और इंडेक्स फ्यूचर में भी FIIs खरीदारी करके गया है, आंकड़ा भी अच्छा है, 2322 करोड़ का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो कैश इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी हुई है और एक आंकड़ा और आपको दिखा देते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में भी FIIs ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है और 4670 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में भी देखने को मिली है। तो अगर कैश मार्केट को हटा दे जिसमें कि नेट नेट मामूली बिकवाली का आंकड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाकी जो सभी आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर हैं। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी इस वक्त जो मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं, आज के लिए बाजार कैसा रह सकता है ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अमित सेठ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, क्योंकि कल तो हमने देखा था ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखी गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने उतना सपोर्ट नहीं किया था, तो आज रणनीति क्या लेके चले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। कल जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 18,138 के लेवल्स में फ्यूचर पे क्लोज हुआ है, तो ये एक क्वाइट काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल क्रॉस किया था विच वाज प्लेस्ड अराउंड 17,988 और इन द प्रोसेस हमने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया है जो कि 18,000 का लेवल है। इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये नोट करनी है कि आवरली चार्ट्स में निफ्टी ने एक हायर लो बनाया है, तो ये सब देखते हुए निफ्टी का स्टांस हमारा बुलिश है। और ओपन इंटरेस्ट साइड में अगर हम देखें तो पुट राइटिंग 17,900 और 18,000 के लेवल में काफी अच्छी पुट राइटिंग कल भी देखी गई है और पुट राइटिंग का एक अच्छा बेस है। 17,900 के पुट में वीकली एक्सपायरी के पुट में लगभग 51 लाख पुट्स रिटर्न है और 18,000 के लेवल पे लगभग 32 लाख पुट्स रिटर्न है। तो इस वीक की एक्सपायरी के लिए अगर हमें देखा जाए तो 17,900 और 18,000 मार्केट के लिए एक अच्छा बेस है, और कोई भी अगर हमें हल्की फुल्की भी इसमें अपॉर्चुनिटी डिप मिलता है तो हमें लॉन्ग जाना चाहिए निफ्टी में, और हमारा टारगेट सर अराउंड 18,300 टू 18,350। कल हमने देखा कि ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मार्केट का मोर ऑर लेस रीजनेबल था, एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी, हर सेक्टर में हमें अच्छी पार्टिसिपेशन देखी गई यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ हेवी सेलिंग फ्रॉम FIIs, डोमेस्टिक DIIs का सपोर्ट मार्केट को काफी अच्छा था। तो निफ्टी में हमारा स्टांस बुलिश है, टारगेट हमारे इस वीक के एक्सपायरी के अराउंड 18,300 से 18,350 में। कंसर्न एरिया हमारा थोड़ा सा बैंक निफ्टी है, क्योंकि कल हमने उसमें एक इंडसइंड बैंक की न्यूज देखी विच वाज नॉट फेवरेबल। इंडसइंड बैंक का मोर ऑर लेस वेटेज बैंक निफ्टी में 5% का है और उसके कारण कल हमने लगभग 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखी। बैंक निफ्टी का ब्रॉडर रेंज इज अराउंड 39,000 to 40,300। एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड 39,700 के लेवल पे, तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में फेवरेबल अभी नहीं है। 40,000 के लेवल में हम काफी अच्छी कॉल रेटिंग देख रहे हैं, तो 40,000 एक हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। तो बैंक निफ्टी जब तक 40,300 का लेवल नहीं क्रॉस करता है हमें बैंक निफ्टी एक बार अवॉइड करना चाहिए। रेंज बाउंड है, रेंज इसकी 39,000 से 40,300 है, करंटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो मेरा व्यू इस हफ्ते का यही है कि निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी और हमें अपनी पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस निफ्टी में बनानी चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसर्न नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी में पोजीशन बनानी चाहिए, अभी भी बुलिश मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है, 18,300 से 18,400-18,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अमित आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज किन शेयरों में ट्रेड करें?
यस मैम, HDFC लिमिटेड में हम एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था और उसके बाद एक शेकआउट पैटर्न इसमें देखा गया है। लार्जर पैटर्न वीकली और डेली चार्ट्स में इसके HDFC लिमिटेड के बहुत अच्छे हैं। 2980 का इसका करंट मार्केट प्राइस है और 2920 के स्टॉप लॉस से HDFC लिमिटेड में हम एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 3075। और मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा DLF रियल एस्टेट सेक्टर से। रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि फिर से एक बार इसमें अच्छी खरीदारी आ रही है और एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा रहा है। मार्केट जब करेक्ट कर रही थी तब भी DLF काफी स्ट्रांग था और इसने काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है। तो DLF जिसका प्राइस 442 का एक 425 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है विद अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 470। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। DLF में हम देख रहे हैं कि काफी समय से जो ट्रेडर्स हैं उनका एक खरीदारी का रुझान भी देखने को मिल रहा है, ना कि सिर्फ DLF रियल्टी स्पेस में ही अच्छी खरीदारी है। DLF में नजर रखिए, आज भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है 470 के लेवल्स के लिए। और दूसरा कॉल होगा HDFC लिमिटेड, यहाँ पर भी 3075 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये तो मार्केट पे रणनीति हमने आपको बताई, घरेलू फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो पूरी बातचीत से समझ में आया। फेस्टिव सीजन भी अच्छा है, फ्यूल रेट में कटौती हुई है और इसके अलावा PMI के आंकड़े भी जो हैं वो भी काफ़ी मजबूत है। इस वजह से एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि घरेलू निवेशक भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भारतीय बाजारों में। तो चलिए ये तो बात हुई भारतीय बाजार की, लेकिन अब कुछ खबर पर भी रुक कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद भी ढेर सारे नंबर्स आए हैं और शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ब्रिटानिया के नतीजे बताऊंगा। निफ्टी में एज एक्सपेक्टेड था, FMCG कंपनीज के लगभग वीक रिजल्ट्स आएंगे और यहाँ पे भी वैसा ही दिखने मिला। रेवेन्यूज हालांकि इनलाइन थे अनुमान के हिसाब से, लेकिन पैट और मार्जिन्स इन दोनों में प्रेशर बढ़ा रहा और आप देखा जाए तो मार्जिन्स में लगभग 430 बेसिस पॉइंट्स का जो है एक टाइप से गिरावट देखने मिला और ये एक्चुअली बहुत अलार्मिंग नंबर है। 15.5% मार्जिन्स पे आया। ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो था ऑलमोस्ट 14% था कंपनी के अक्रॉस प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट ने लेकिन एक टाइप से डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने कहा है कि जो प्राइस हाइक्स है वो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के कारण जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। रूरल मार्केट्स में कैसे वो जो है ग्रोथ होगा उस पर लेके जो है फोकस रहेगा मैनेजमेंट का। और वो कह रहे हैं कि मार्केट शेयर गेंस तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, जितने भी आप डेयरी ले लीजिए, एडिबल ऑयल प्राइसेस ले लीजिए, जो भी खान पान के लिए लगते हैं इन FMCG स्टॉक्स के लिए, उसमें जो प्रेशर जो है लगातार दूसरे क्वार्टर तक भी बन सकता है। उसके अलावा दूसरे साइड में आपके फार्मा स्पेस में वायदे बाजार में औरोबिंदो फार्मा ने अच्छे नतीजे लाए हैं। अगर ओवरऑल देखें तो ज़रूर सेल्स में थोड़ी सी डाउन जो 8% डाउटिक है, लेकिन जो सारे पैरामीटर्स में जो अनुमान थे उसको उन्होंने एस्टिमेट को बीट किए। ओवरऑल अगर कहा जाए तो एस्टिमेट्स के जो US के सेल्स थे वो सपाट आने के बाद थे, लेकिन US के जो सेल्स है इस बार बहुत अच्छे आए हैं और लगभग आपका बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिला है आपको सिक्वेंशियली बेसिस पे US मार्केट्स में। और अब यूरोपियन मार्केट्स भी ले लीजिए तो उसमें भी एक अच्छी ट्रैक्शन दिखी है और स्पेशली वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके कारण मैनेजमेंट ने एक और पॉजिटिव व्यू रखा है औरोबिंदो फार्मा के लिए कि वो अनलॉक करेंगे वैल्यू उनकी इंजेक्टेबल्स के सब सेगमेंट में जिसका नाम है यूजिया। तो ओवरऑल बहुत अच्छे नतीजे आए हैं औरोबिंदो फार्मा के। अब कैश बाजार में चलते हैं तो वहाँ पे श्याम मेटालिक्स के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 87% का उछाल देखने मिला है और पैट में भी ऑलमोस्ट 150% का जो है ग्रोथ देखने मिला है और डेट रिडक्शन भी हुई है। हालांकि IPO आई थी रिसेंटली कंपनी की और लगभग 450 करोड़ का डेट रिडक्शन हुआ है और कैपेक्स प्लान्स जो है कंपनी के उन्होंने वो डबल करेंगे कैपेसिटी अगले 3 साल में। उसके अलावा वीमार्ट रहेगा फोकस में, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और अनलॉक थीम की जो प्ले चल रही है उसमें हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 93% का ग्रोथ देखने मिला और कंपनी जो है आपके जो है घाटे से मुनाफे में ऑलमोस्ट आई है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। कह सकते हैं कि एक टाइप से नैरो हुई है लॉसेज, माफ़ करिएगा, और एबिडा एक्चुअली जो है एबिडा लॉस जो है एबिडा प्रॉफिट से आई है। उसके अलावा रियल्टी स्पेस पे बात करें तो शानदार सेल्स के साथ दूसरे तिमाही के शोभा ने रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 57% का उछाल देखने मिला है और मार्जिन्स में भी एक तरफ से ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का जो उछाल देखने मिला है नतीजे में। एड पैरी जो है आपकी शुगर बेस्ड कंपनीज है वो मिले जुले नतीजे आए हैं। रेवेन्यू में लगभग 20% का टॉप लाइन ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन एबिडा में और आपके जो नेट प्रॉफिट है इनमें जो मार खाया गया लगभग 15 से लेकर 16% तक का डाउनटेक देखने मिला है। और कमज़ोर नतीजे में आखिर में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 17% का जो है डीग्रोथ देखने मिला है, जो 391 करोड़ रुपीज़ पे आया है। और प्रोविजन्स हालांकि सिक्वेंशियली भी घटे हैं 437 करोड़, लेकिन जो लॉस है वो बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं कंपनी का 96 करोड़ लास्ट ईयर था प्रॉफिट, अब जो है लॉस जो है बढ़ चुका है और लगभग 274 करोड़ का आ गया है। अगर एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी देखें तो उनमें भी एक टाइप से डीग्रोथ देखने मिला है, अगर हम लोग सिक्वेंशियली बेसिस पे कवर करें तो। ओवरऑल जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है पूरे यूनिवर्स में, और हम लोग अर्निंग सीजन की टुवर्ड्स द फैग एंड में जा रहे हैं, तो ये सारे स्टॉक्स हमारे नज़र में रहेंगे आज। पूजा ओके, तो ढेर सारे नंबर्स हैं, ज़्यादातर देखिए कैश मार्केट जब के नंबर्स अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर कैश मार्केट में जो भी नतीजे कल घोषित हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं खबरों की और इसकी भी डिटेल्स ले लेते हैं। शायद खबरों के लिहाज से आज फोकस कहाँ रहेगा और प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, पहले मैं प्राइमरी मार्केट के बारे में बता दूं। पेटीएम की जो आईपीओ खुल रही है, जो दूसरे दिन खुल रही है, पहले दिन के सब्सक्रिप्शन थोड़े वीक देखने मिले। ओवरऑल लगभग 18% जो है टोटली सब्सक्रिप्शन हुआ था, लेकिन रिटेल साइड में ऑलमोस्ट 80% हो चुका था। सफायर फूड्स का भी आज आईपीओ खुलेगा, ये आपके KFC, कोस्टा कॉफ़ी, ये सारे ब्रांड्स के जो है ऑपरेटर हैं ऑल ओवर इंडिया। प्राइस बैंड है 1120 से लेके 1180 रुपये प्रति शेयर, और टोटली ऑलमोस्ट 933 करोड़ ये ऑलरेडी 53 एंकर इन्वेस्टर्स जैसे GIC, ADI उनसे ऑलरेडी रेस कर दे। अब आते हैं हम लोग फोकस करते खबर पे, जो स्टॉक्स पे आज फोकस रहेंगे, स्पेशली रिलायंस रहेगा सबसे पहले फोकस में। उन्होंने जो है जो उनकी जो नॉर्थ अमेरिका की बिजनेस है शेल गैस की, वहाँ से वो एग्जिट कर चुके हैं और उन्होंने एग्रीमेंट्स कर दिए अपने JV पार्टनर्स के साथ। उसके अलावा श्रीराम ग्रुप स्टॉक्स और पिरामल रहेगा फोकस में। उन कंपनी ने जो है हाजिरी दे दी है कि रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो उसके दो लिस्टेड कंपनीज है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, दोनों मर्ज हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी में जो कि है श्रीराम कैपिटल, जहां से जो इंश्योरेंस आम है वो निकाल दिया जाएगा और फिर इसे रीलिस्ट किया जाएगा। और इस पे याद रखिए पिरामल का जो ग्रुप है उनका होल्डिंग कंपनी में श्रीराम कैपिटल में 20% स्टेक है, तो एक टाइप से एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो ये श्रीराम ग्रुप के स्टॉक्स और पिरामल इंटरप्राइजेस रहेंगे आज फोकस में। रूट मोबाइल ने भी अपनी QIP लॉन्च की है 750 करोड़ की, और ये डील जो है बढ़ सकती है 1124 करोड़ की। जो प्राइस है फ्लोर प्राइस रखा 1949 रुपीज़ प्रति शेयर। मारुति सुजुकी भी रहेगा फोकस में, वो फाइनलाइज कर रहे कंपनी प्लान, उनके जो नई हरियाणा की यूनिट है जो एक्सपैंड कर रहे हैं कैपिटल प्लान्स की, उसके बारे में जो है 2021 के एंड तक हो सकती है। और ईवी स्पेस से बात करें तो JBM ऑटो में जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उन्होंने 200 बसों का ऑर्डर दिया है। और उसके अलावा पीयूष गोयल जो है ट्रेड मिनिस्टर, वो कहे हैं कि जो फ्रेट के जो कॉस्ट है उसको स्थिर करने की प्रोग्राम आ सकती है। तो हालांकि आप देख सकते हैं कल लॉजिस्टिक स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी दिन के ट्रेड में। और उसके अलावा आखिर में बात करेंगे नैल्को की, जो 12 नवंबर को बोर्ड की बैठक रहेगी डिविडेंड के विचार करने की, और ये एक अच्छी डिविडेंड डील्ड देती है कंपनी, तो 4 से लेकर 6% तक सालाना इनके डिविडेंड डील्ड देती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगा नैल्को के लिए। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स रहेंगे खबरों के दम पे हमारे फोकस पर आज। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरदी, सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे नतीजे हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है, लेकिन फोकस में रहेगा एक आज और रिजल्ट, M&M के नतीजे आज आने वाले हैं और नंबर से क्या उम्मीद है ये बताने के लिए सृष्टि मेरे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताइए। तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉल्यूम्स पे अगर नजर डालें तो वहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 3% का सुधार देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने काफी सारे प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसके चलते इनके रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स के चलते कंपनी की जो अगर हम आय देखें तो वहाँ पे करीब 7.5% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। पर अगर हम इनकी वॉल्यूम्स को अंदर से देखें तो जो इनकी ऑटो वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 11% का सुधार देखने को मिला है साल दर साल, पर जो इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। ये साल दर साल नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एक हाई बेस था पिछले साल का जिसके मुकाबले ये नंबर अभी कम हुआ है, और तिमाही दर तिमाही भी इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में 11% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और इसी एडवर्स मिक्स के चलते यानी जो ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, साथ ही LCVs का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ है, और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की तो हम दिक्कतें देख ही रहे हैं, सभी ऑटो कंपनीज को
इम्पैक्ट करते हुए। इसके चलते इनके जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे असर देखने को मिलेगा। इबिडा में करीब 23% की हम गिरावट का उम्मीद कर रहे हैं। इनका जो इबिडा है वो 1594 करोड़ इस बार रह सकता है। अब अगर मार्जिन की बात करें तो पिछले साल 17.8% पे मार्जिन देखे गए थे, इस बार 12.8% पे रहने का हमारा अनुमान है। और तिमाही दर तिमाही भी ये 1 percentage point की गिरावट देखने को मिल सकती है। और आखिरी में जो इनका मुनाफे का फिगर है वहाँ पे करीब 11% की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था 1311 करोड़ का, इस बार वो 1172 करोड़ का रहने का हमारा अनुमान है। इसके अलावा जो टॉप लाइन नंबर्स हैं हमारी नज़र रहेगी कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या रहती है चिप शॉर्टेज सिचुएशन की दिक्कतों को लेकर, क्योंकि मारुति और टाटा मोटर्स दोनों ने ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक सिचुएशन कैसी है, कितनी मजबूत है, और साथ ही कंपनी के आने वाले समय में ईवी को लेकर क्या प्लान्स है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी एमएनएम के केस में भी देखना, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग की रणनीति आज और कौन से स्टॉक्स में अपनानी चाहिए ये भी बता देते हैं आपको। शुरुआत में हमने आपको एचडीएफसी लिमिटेड और डीएलएफ में खरीदारी करने की राय दी थी, एमएसएट की तरफ से रिकमेंडेशन आए थे। इसके बाद सेंट्रल ब्रोकिंग की राय आई है बीपीसीएल पर खरीदारी करके चलिए 445 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 423 का। और दूसरे कॉल में ये इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 182 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस होगा 173 का। तो ये चार कॉल्स हैं और चारों ही कॉल्स जो हमने आपको बताई है ट्रेडिंग के लिहाज से, चारों में ही खरीदारी करने की राय आज आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, टाटा स्टील पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य देख रहे हैं 1810 का, तो यहाँ पर आज आप नजर रखें। इसके अलावा सिटी की भी रिपोर्ट आई है सन टीवी पर, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, कल नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग थे कंपनी के, लक्ष्य देख रहे हैं 670 रुपए प्रति शेयर का। और इसके अलावा यूबीएस पर, मैक्स हेल्थकेयर पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है, रेटिंग बढ़ा दी है, न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय की रेटिंग दी है यहाँ पर, और लक्ष्य भी जो दिया है वो 440 रुपए प्रति शेयर का दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है, ज्यादातर पॉजिटिव रिपोर्ट्स ही देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर आज फोकस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती अब जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, आज आप बताइए कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और क्या रणनीति अपना के चले आज? गुड मॉर्निंग पूजा, मुझे लग रहा है कि कल काफी बढ़िया यहाँ पे कमबैक देखने को मिला था बेस मेटल्स में, और एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली थी यहाँ पे। मेरे ख्याल से वो ट्रेंड आज कंटिन्यू हो सकता है। डॉलर इंडेक्स जो कि काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, वहां पे एक पॉज देखने को मिला है, तो डॉलर इंडेक्स में पॉज होगा तो थोड़ी सी जो बाइंग है कल की बाइंग आज कंटिन्यू हो सकती है कमोडिटी काउंटर में। मुझे लग रहा है क्रूड में भी एक जंप आता हुआ हम लोगों ने देखा था आफ्टर अ फॉल, तो क्रूड और एल्यूमिनियम काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में आज के दिन भी जंप जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे 207.5 के लेवल पे यहाँ पे एडवाइस करूंगी कि एक बार खरीदना चाहिए, 209.5 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 206.5 का। दूसरी तरफ पूछा, मुझे लग रहा है कि बुलियन काउंटर में बेस मेटल में भी क्योंकि उछाल है और गोल्ड में भी उछाल है, इसका फायदा यहाँ पे सिल्वर को मिलता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग में कंटिन्यू रहना चाहिए या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, 64,800 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए, सिल्वर को 65,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 64,500 का। साथ ही मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, और आज के दिन में ग्रेजुअली यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। ऊपर की तरफ की अगर बात करूँ तो क्रूड ऑयल में एक बार टारगेट करके चल सकते हैं 6150 का लेवल, और नेचुरल गैस में भी एक पुल बैक आ सकता है, वहां पे हम 417 को टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है वो बाइंग का दिन रह सकता है। तो बाइंग का दिन रह सकता है। कल हमने शुरुआत में हल्की कमजोरी देखी थी, लेकिन अब आखिरी कुछ घंटों में काफी अच्छी रिकवरी हुई है, और उसको देखते हुए एल्यूमिनियम और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएनसी के सीआईओ महेश पाठी का क्या कहना है बाजार पर, आइए सुन लेते हैं। यहाँ से मार्केट इज नाउ फेयरली फैक्टरिंग इट, पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है जो हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना है तो ए आई थिंक इट विल बी मोर ड्रिवन बाय हाउ द रिकवरी प्लान्स आर, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी पेस कितनी स्ट्रांग होगी आगे जाके उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो थी मार्केट में राइट, वो धीरे धीरे से अभी उसमें लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्लोबली भी हमने सुना है कि यूएस ने जो टेपरिंग अनाउंस की है नवंबर एंड से एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर बी ओवर, सो खाली लिक्विडिटी के बेसिस पे जो स्टॉक्स चल रहे थे आई थिंक वो अभी स्लो डाउन हो जाएंगे और अर्निंग्स ड्रिवन ग्रोथ के कारण मार्केट आगे ऊपर जाएगा।